बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम देखेंगे कि टोन्स जो हैं वो हमारे जो फाइनल्स के ऊपर आती हैं, तो उसका कुछ रूल होगा, कुछ चीजें होंगी, कुछ उसके रेगुलेशंस होंगे कि जो मार्क की जाएंगी। अब सबसे पहले तो ये बात कि टोन जो आती है वो हमारे फाइनल के ऊपर आती है, तो फाइनल हमारे जो है वो हमने देखे थे कि वॉवल्स है। अब जो वॉवल्स की तरतीब हमने देखी थी इंग्लिश में, वो वॉवल्स की तरतीब चाइनीज में नहीं है। ये कह रहे हैं कि वो वॉवल्स की तरतीब हम टोन लगाते हुए वो वॉवल्स की तरतीब जो है वो फॉलो नहीं करते। इससे सिर्फ ये मसला हल होगा कि वॉवल किसके ऊपर टोन आती है। अगर तो किसी एक वर्ड में एक ही वॉवल है तो उसके ऊपर तो टोन का मसला कोई नहीं है कि किस वॉवल पे आएगी, वो तो एक ही है, उसी पे आ रही है, फाइनल वही है हमारा। लेकिन जब एक से ज्यादा वॉवल एक वर्ड में आते हैं तो किस वॉवल के ऊपर टोन आएगी हमारी, वहां पे मसला आता है, वहां पे प्रॉब्लम करता है हमें। लाइक चीज देखें कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक हमारे पास वर्ड है उसके ऊपर टोन आनी है, तो उसमें ये देखें यहां हम पे हमारे पास जो है वो आई जो है हमारे पास वॉवल है, ये हमारा फाइनल भी है, जो हमारे फाइनल्स है वो वॉवल्स है, तो इसके ऊपर टोन लग जाएगी। तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो है वो नी की टोन जो है वो थर्ड नी, तो ये तो यहां पे तो कोई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम वहां पे आएगी जैसे हमने काउंटिंग देखी, तो उसमें लेट्स सपोज हमारा था च्यो च्यो, तो इसके ऊपर टोन कहां पे आएगी, आई पे आएगी या यू पे आएगी, ठीक है। तो और भी हमने कुछ वर्ड्स देखे, उसमें भी टोन का प्रॉब्लम था, दो फाइनल्स थे उसमें, तो यहां पे आके हम प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि किस जो है वो वर्ड के ऊपर हम टोन मार्क करेंगे। तो इसके जो है वो बेसिक तीन रूल्स है, वो तीन रूल्स आपने हम देख लेते हैं। जी पहला रूल जो है वो है बहुत इजी, लेकिन उसको समझना और उस वर्ड की सेंस को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहला रूल ये है कि जो आपके पास जब आप वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, जिस वर्ड की वो जिस वॉवल की प्रोनाउंसिएशन पे आपका जो माउथ ज्यादा ओपन होता है उस वर्ड के ऊपर टोन आएगी। जैसे हमारे पास था हाओ नी हाओ, इसकी टोन जो थी वो थर्ड थी और ये के ऊपर टोन थी हमारे पास हाओ नी हाओ। अब अगर आप ओ जो हमने साउंड देखी थी चाइनीज में वॉवल की, वो ओ और ए की टोन थी आ आ, तो ए के ऊपर ज्यादा माउथ ओपन करना पड़ रहा है तो इसके ऊपर टोन आ जाएगी। अब अगर आपको समझ नहीं आती कि किसके ऊपर और जो है वो वॉवल के ऊपर माउथ ज्यादा ओपन हो रहा है या कहां पे टोन आनी है, तो ये पहला हम ये कह रहे हैं कि हमारा था ये हमारा पहला रूल था जिसके अंदर हमने ये चीज देखी कि ए के ऊपर जो है हमारे पास टोन आएगी। अब जो दो रूल्स हैं ये उसको आप सेकंड रूल के आगे दो सब पार्ट कह लें, उसके अंदर जो है वो टोन बहुत इजी है, याद करना उसको समझना सीखना बहुत इजी है।
जो अगला रूल है वो ये है कि जिस वर्ड के, जैसे आपने वर्ड देखा, यही है आप एग्जांपल लेने होगी, इस वर्ड में जो वॉवल था उसका, जिस तरतीब में वॉवल आया था, हमने जो वॉवल्स की तरतीब चाइनीज में पढ़ी, उसमें जो वॉवल पहले आएगा उसके ऊपर हमारी टोन आ जाएगी। अब देखें, जैसे हमने तरतीब पढ़ी थी ए ओ ई आई यू और डॉटेड यू, ये हमारे पास तरतीब है वॉवल्स की चाइनीज में। अब यहां पे देखें, हमने इस वर्ड के अंदर इस तरतीब को चेक नहीं करना कि ए यहां पे कहां पे आ रहा है, हमने देखना है कि अगर लेट्स सपोज ये देखें हमारे ये दो वॉवल्स इस वर्ड के अंदर हैं, तो अगर लेट्स सपोज मैं एग्जांपल आपको देने के लिए बता रहा हूं कि अगर इस तरह भी कोई वर्ड होता एच ओ ए होता, तो फिर भी हम इस ए के ऊपर टोन मार्क करते, जो भी टोन होती व्हाट्स एवर, ठीक है। तो यहां पे जो तरतीब हमें इस वर्ड को देखना है, इस वर्ड में लेट्स सपोज ये दो वॉवल हैं ए और ओ, इसमें हमने इस वर्ड की तरतीब नहीं देखनी, हमने देखना है कि जो वॉवल्स आ रहे हैं उनमें जो पहले वॉवल आ रहे हैं उसके ऊपर टोन आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे कोई और वर्ड भी हम देख लेते हैं बाद में, इसका जो सब पार्ट है वो ये पार्ट है कि इसको आप ये जो रूल हमने ऊपर पढ़ा है, ये रूल हमारे पास जो है, लेट्स सपोज अगर यहां पे जैसे हमने वर्ड पढ़ा था नाइन, इसकी प्रोनंस इसका चाइनीज क्या थी, चो चो, फिर इसके हमने ऊपर टोन कहां पे देखी थी, इसके ऊपर जो टोन आई थी वो यू के ऊपर मार्क हुई थी, ना कि आई पे मार्क हुई थी। अब ये देखें आई पहले आ रहा है यू बाद में आ रहा है, तो जो हमने रूल अभी देखा उस रूल के हिसाब से तो आई के ऊपर टोन आनी चाहिए, लेकिन ये इसके ऊपर टोन नहीं आएगी, ये एक वाहद ऐसा पेयर है, कौन सा पेयर है, वो आई और यू का पेयर है जिसके ऊपर जब हम टोन मार्क करते हैं तो वो वाला रूल फॉलो नहीं करते, ये जो हमने अभी पढ़ा है तरतीब वाला सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस हमने देखा है वॉवल्स का, ये रूल फॉलो नहीं करते, हम इसमें यू के ऊपर टोन मार्क करेंगे। तो हमने चो की इसीलिए टोन मार्क जो है वो यू के ऊपर की थी, हमने पहले देखा माउथ ओपन का वो याद नहीं रहता, तो ये एक बेसिक और बहुत अच्छा रूल है कि हम किस वर्ड के ऊपर कौन सी टोन जो है वो कैसे टोन मार्क कर सकते हैं। तो ये हमने टोन मार्किंग के रूल देखे, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें बाय कमेंट या बाय कॉल या बाय मैसेज आप हमें पूछ सकते हैं कि आज जो है वो टोन हम कैसे मार्क कर सकते हैं, क्वेश्चन होगा तो आप हमें कंटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।